बैठवा नगर परिषद चुनाव की घोषणा आगामी माह में कभी भी हो सकती है, इसी को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है, जिसको लेकर शनिवार शाम विधायक विशाल पटेल के समर्थकों द्वारा एक भोज मीटिंग का आयोजन रखा गया। कल इसके साथ ही कांग्रेस प्रवेशक राजेश चौकसे को बुलाया गया, जिसमें दावेदारों के बायोडाटा आमंत्रित किए जाने थे। वहीं दूसरे गुट को प्रवेशकों के आने की भनक लगी तो उन्होंने प्रवेशक से मिलने का समय मांगा, लेकिन प्रवेशक राजेश चौकसे द्वारा उन्हें समय नहीं दिए जाने के कारण वे नाराज हो गए एवं बैठवा के अंबेडकर चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रवेशक राजेश चौकसे का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने वालों में मुख्य रूप से नरेंद्र सूर्यवंशी, दीपक कुमरावत, बंटी, संतोष यात, महादेव दायमा, संदीप चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज नगर परिषद के चुनाव हेतु पर्यवेक्षक जो आए हैं बैठवा नगर परिषद राजेश चौकसे जी, उनका हमने पुतला दहन किया। चूंकि जो मीटिंग हुई है उसमें न तो जिला अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया, न ही ब्लॉक अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया, और मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मुझे भी सूचना नहीं दी गई और न ही संगठन के पदाधिकारी को सूचना दी गई। इसके विरोध स्वरूप हमने राजेश चौकसे जी का पुतला दहन किया। पेटपा नगर में कांग्रेस के जो आगामी चुनाव है नगर परिषद के, उसके लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं राजेश चौकसे जी, उनसे हमने समय करीब दो चार बार बात करी, फोन पर समय मांगा था, उन्होंने हमें समय भी दिया लेकिन इन मौके पे मिलने से मना कर दिया। ताकि चूंकि हम पिछले पंद्रह सालों से कांग्रेस का काम करते आ रहे हैं और प्रबल दावेदार भी हैं पिंकी बंटी कुमरावत जी, और दो बार से कांग्रेस सीट पर चुनाव भी लड़े हैं और वर्तमान में पार्षद भी हैं। जिस तरह कमलनाथ जी ने जारी किया है बिल के जो महिला सक्रिय है या जो खुद पार्षद हैं या पत्र हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए, तो हमारा हकदार हक बनता था, इसलिए हमने टिकट की मांग करी, लेकिन उन्होंने हमें समय ही नहीं दिया और इसी कारण आज हमने उनका विरोध स्वरूप पुतला।